तो फ्रेंड्स आज हम लोग सुगम भूगोल जो कि क्लास 8 का है, तो इसमें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अति लघु देखा था, ठीक है। तो चलो अपने चलो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर से कीजिएगा। तो यहाँ पर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इस दृष्टि से संसाधन दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन, ठीक है। तो जैव संसाधन आपको पता है, जैव मतलब जीव, जिसमें जैव मतलब जीवन हो, ठीक है। तो हमारे पर्यावरण में उपस्थित वैसे सभी वस्तुएं जिनमें जीवन है, ठीक है, जैव संसाधन कहलाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं जैसे मनुष्य सहित सभी प्राणी हो गया, ठीक है, सभी प्राणी जिसमें जीवन है। और अजैव संसाधन मतलब अजैव हो, मतलब जीवन नहीं हो जिसमें, ठीक है। तो हमारे पर्यावरण में उपस्थित वैसे सभी संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त नहीं है अर्थात निर्जीव है, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टान हो गया, पर्वत हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, ये भी संसाधन है बट ये अजैव संसाधन है। और यहाँ पे दूसरा नंबर है संभाव्य और विकसित संसाधन में अंतर बताना है। तो चूंकि देखिए संभाव्य संसाधन यहाँ पे और वास्तविक संसाधन इधर है, तो दोनों में पहला में आप देखेंगे तो संभाव्य संसाधन की मात्रा ज्ञात नहीं होती, ठीक है। इसका मात्रा पता नहीं होता कि ये कितना है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, वास्तविक संसाधन में मतलब जो सब कुछ पता होता है, ठीक है, वास्तविक संसाधन की मात्रा यहाँ पे ज्ञात है कि वो कितना है। और दूसरा इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है परंतु भविष्य में इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से अब इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है लेकिन भविष्य में होगा, ठीक है। इन संसाधनों का प्रयोग इस समय किया जा रहा है जो विकसित संसाधन वास्तविक संसाधन, ठीक है। तो ये विकसित संसाधन या फिर वास्तविक संसाधन एक ही होता है, वैसे आप लोग कन्फ्यूज ना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वास्तविक संसाधन लिखो, विकसित संसाधन मतलब जो वास्तविक संसाधन मतलब एक ही है, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे आप लोग विकसित संसाधन लिख लीजिएगा, ठीक है। तो विकसित संसाधन की मात्रा ज्ञात होती है और इन संसाधनों का प्रयोग इस समय किया जा रहा है। और यहाँ पे तीसरा नंबर है मानव निर्मित संसाधन को स्पष्ट करें। तो मानव निर्मित संसाधन मतलब जो मानव ने बनाया होगा, तो मानव द्वारा निर्मित संसाधन को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग करने के उपरांत दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एक बार यूज करेंगे दोबारा नहीं किया जा सकता, जैसे कोयला हो गया, खनिज तेल हो गया, लकड़ी आदि इसके मुख्य उदाहरण हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सतत पुष्णीय विकास किन बातों पर जोर देता है, सतत पुष्णीय विकास। तो यहाँ पे देखिए सतत पुष्णीय विकास का सारा डिफिनेशन हम लोग आगे या फिर पीछे वाले वीडियो में बताए होंगे। तो सतत पुष्णीय विकास में देखिए सतत पुष्णीय विकास मुख्य रूप से इन बातों पर जोर देता है, पहला संसाधनों की बर्बादी को रोकना, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के प्रदूषण को रोकना, जैव विविधता को संरक्षित करना, बहुत सारे हमारे मतलब बहुत टाइप के जीव है तो उनको संरक्षित करना, और नवीकरणीय संसाधन के पुनः चक्रण पर जोर देना। ये इसका है सतत पुष्णीय विकास का, ठीक है। चूंकि नवीकरणीय संसाधन है तो उसको ऐसे हम लोग यूज नहीं करेंगे कि वो खत्म हो जाए, नवीकरणीय मतलब उसको हम लोग यूज करेंगे फिर से उसका पुनः उपयोग कर सकते हैं। और सतत पुष्णीय विकास मतलब कि सतत का मतलब लगातार होता है और पुष्णीय विकास, और इसका डिफिनेशन बोले तो वैसा विकास जिसमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हुए ये हो, ठीक है, जिसमें वर्तमान जो भी प्रक्रिया हो रहा है विकास रिलेटेड वो भावी जो भावी पीढ़ी है, ठीक है, जो फ्यूचर में आएगा उसको वो अवहेलना ना करे, उसकी ज़रूरत को अवहेलना ना करे, ठीक है। सतत पुष्णीय विकास है ये, ठीक है। और इसको अगर संसाधन को संरक्षण करना है तो सतत पुष्णीय विकास को अपनाना जरूरी है, ठीक है। तो सतत मतलब कि संरक्षण करना है तो भी सतत पुष्णीय विकास को अपनाना जरूरी है। ऐसे ये चौथा क्वेश्चन था और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा है 5वां नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए बोला संसाधनों के असमान वितरण पर अपने विचार प्रस्तुत करना, क्योंकि संसाधन सभी जगह अलग अलग है, ठीक है, असमान रूप से बटा हुआ है, क्योंकि ये तो प्राकृतिक रूप से है, ठीक है। तो पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से इसलिए वितरित है क्योंकि पृथ्वी पर जो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण कुछ भौतिक कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है, भौतिक कारकों पर ये निर्भर करता है। और चूंकि भौतिक कारक जो है वो सभी जगह अलग अलग होते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे धरातल सभी जगह अलग अलग, जलवायु की बात करें सभी जगह अलग होता है, ऊंचाई भी सभी जगह अलग होता है, तो पृथ्वी पर इन कारकों में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है और इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। और 6वां नंबर क्वेश्चन है संसाधन और मूल्य के बीच क्या संबंध है। चूँकि आपको पता है संसाधन मूल्य का मतलब महत्व, तो उसका महत्व कई कारणों से पर डिपेंड करता है, जैसे अगर उसकी मांग ज़्यादा है तो उसका महत्व ज़्यादा होगा, ठीक है, या और फिर उसका गुण रूप में परिवर्तन करने पर भी उसका महत्व ज़्यादा हो जाता है। कुछ संसाधन का मूल्य होता है, कुछ संसाधन का मूल्य नहीं भी होता है, ठीक है। तो किसी संसाधन का मूल्य उसके रूप और गुण में परिवर्तन से बदल जाता है, जैसे वन में पेड़ों की लकड़ी का कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है परंतु जब पेड़ की लकड़ी को काटकर फर्नीचर में बदला जाता है तब उसका आर्थिक मूल्य बढ़ जाता है। तो इस प्रकार संसाधन और मूल्य में संबंध है।
और सातवां नंबर क्वेश्चन है कि नवीकरणीय संसाधन को उदाहरण देकर स्पष्ट करना है, ठीक है। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में लाया जा सकता है वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य हुआ, उससे जो ऊर्जा मिलता है, पवन ऊर्जा हुआ, ठीक है, पानी हुआ, मिट्टी हुआ और जंगल हुआ, तो ये सबको यूज करने पर ये फिर से मतलब इसको फिर से यूज कर सकते हैं। और जंगल भी अगर एक बार यूज करें तो वो फिर से ही मतलब आ जाता है, वहाँ पे फिर से पेड़ पौधे लग जाते हैं अपने आप, ठीक है, वो बड़ा जो जंगल होता है। तो यहाँ पे आठवां नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में भिन्नता को उदाहरण के साथ समझाएं, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का। और यहाँ पे देखिए जंगल बोल रहा है, तो देखिए जंगल को लगाने नहीं जाता, ठीक है, वो अपने आप लगता है, तो इस बात को देखिए आप, बाकी सब तो ठीक है। और इसमें बोल रहा है प्रकृति संसाधनों के उपयोग में भिन्न के उदाहरण देकर ही साथ समझाना है इसको भी, तो प्रकृति संसाधनों के उपयोग में आज असमानताएं हैं, ठीक है, भिन्नता है, क्योंकि विश्व के सभी भागों में मानव एक जैसा जीवन व्यतीत नहीं कर रहा है, ठीक है। और इसका देखिए मेन कारण क्या है कि तकनीकी ज्ञान में अंतर का होना इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे देखिए उदाहरण के साथ बोल रहा है, तो जैसे देखिए यहाँ पे अफ्रीका के कई देश प्राकृतिक संसाधनों में बहुत धनी है, परंतु उनके पास इन संसाधनों के उपयोग की तकनीक उपलब्ध नहीं है, अतः वहाँ संसाधन का भरपूर उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसके विपरीत जहाँ पे तकनीक होगा वहाँ पे उपयोग होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस यहाँ पे बोल रहा था जो क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में भिन्नता को उदाहरण के साथ समझाना है, ठीक है, सब प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में भिन्नता, तो चूंकि सभी जगह पे भिन्नता भिन्न मतलब उपयोग भिन्न उपयोग में अंतर आ जाता है, चूंकि वहाँ कहीं पे तकनीक नहीं है तो अलग बात है, और कहीं पे तकनीक है तो अलग बात है, ठीक है। तो ये हुआ, और ये आठ नंबर मतलब ये लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो गया, ठीक है। वीडियो पे एंड होता है, और आप लोग वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर, मिलता है आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।